लोग अभी निकले हैं नाश्ता के खोज में, जो हम लोग को अभी तक तो कुछ वैसा मिला नहीं जिसमें हम लोग लेके खा सके कुछ। यहाँ पे हमने एक लिट्टी चोखा का दुकान दिखा, वहाँ का लिट्टी तो ठीक था, चोखा बड़ा शर्मा रहा था और वो देख के मैं पूरा ही शर्मा गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा फ्रूट्स का दुकान है, इधर है उधर है, चारों तरफ फ्रूट्स ही फ्रूट्स है। लेकिन हम लोग अभी फ्रूट्स नहीं लेंगे क्योंकि अभी धोने के लिए फ्रूट्स के लिए बैग नहीं है, बस यही एक बैग है और अभी तो मैं बैग नहीं खरीदूंगी। एक्चुअली हम लोग जितना बार भी ब्लॉगिंग के लिए निकल रहे हैं ना, उतने बार एक ना एक नया बैग हम लोग ले रहे हैं। वैसे आज भी खरीदना होगा लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग स्टेशन जाएंगे उस समय फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स खरीद के लेते हुए जाएंगे। अभी फिलहाल धोएंगे नहीं, धोएंगे क्योंकि अभी काम है थोड़ा सा और भी। हाँ अभी हम लोग ये तो झारग्राम का रास्ता है, चल चल के जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, टाइम हो रहा है करीबन 11 बज रहा है और समोसा वगैरह खाने का मुझे बिल्कुल भी मन। वैसे नाश्ता का आप बोले तो समोसा एक बार हो चुका है अभी। हाँ चलिए, इधर बहुत भीड़ है, ये देखिए रास्ता जाम है, इधर से जा नहीं पाएंगे इसलिए हम लोग ये जो फुटपाथ है उसमें चलेंगे। चलते चलते देखते हैं कहाँ पे नाश्ता मिलेगा, वहीं पे हम लोग मिलके नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस स्टेशन जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, जब हम लोग का काम का टाइम होगा वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से आके जब ट्रेन आएगा तब हम लोग घर चल जाएंगे। और ये देखिए बहुत सारा फ्लावर्स का दुकान है। और यहाँ पर ज़्यादातर ये देखिए कितने सारे स्वीट्स हैं, बहुत सारे स्वीट्स हैं, इधर भी हैं। वैसे बंगाल जो है वो स्वीट के नाम पे फेमस है, बहुत सारे प्रकार का स्वीट्स मिलता है यहाँ पे। मैं एक्चुअली मैं खोज रहा हूँ इडली वगैरह मिल जाए खाने को तो मज़ा आ जाएगा, बट मिल नहीं रहा है। अच्छा चलिए देखते हैं, वैसे स्वीट्स हम लोग फिर कभी ट्राई करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं इडली का खोज में। चलिए तो अभी करना है रोड को क्रॉस, तो मैं आपको रोड क्रॉस करते हुए दिखाती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्योंकि रोड क्रॉस करते समय बात नहीं करना है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, वैसे आज को संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। दादी माँ थी जो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो वो उनको रोड क्रॉस करके उनका बस स्टैंड उनका बस तक पहुँचा के वो देखे आ रहे हैं। छोड़ दिए? यस चलो चलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खोजने इडली, शायद हमें इडली यहाँ पे मिल सकता है। अच्छा उधर जाके देखते हैं, उधर उस रास्ता में ये वाला सीधा रास्ता क्या? चलिए तो ये वाला रास्ता हम फाइनली पकड़े और इधर जाके देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो खा लेंगे, पेस्ट्री खाएंगे। ये तो यहाँ इडली मिल रहा है, देखिए फाइनली एक तो दुकान मिला, अगर भी तो देखते हैं। शिट, तो यहाँ पे भी नहीं है इडली, अभी उधर जाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, डोसा मिल रहा है तो नहीं खाना, तो अगर खोज खाज के एक दुकान मिला भी तो यहाँ पे इडली नहीं है और डोसा खाने मन नहीं है, तो और गोलगप्पा अभी अगर खा लूँ और मान लीजिए वगैरह हो जाए कहाँ जाऊँगा। तो चलिए उधर ही चलते हैं। चलिए तो हमारा खोज जारी है, खाना ढूंढने का खोज, और अभी तक मिला नहीं है, तो जैसे ही मिलेगा वैसे ही कुछ खाना वाना हम लोग खाएंगे और इसके बाद थोड़ा आराम लगेगा हमें। फिलहाल इधर उधर बाकी चीज़ तो है खाने के लिए, जैसे वो समोसा वगैरह मिठाई ये सब, लेकिन इडली हाँ इडली डोसा भी मिल जाए तो बढ़िया है, बट मिल नहीं रहा है ना कहीं पे। थोड़ा देर पहले मिला
था लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उनका साफ सुथरा करने का तरीका वो मुझे सही नहीं लगा। और यहाँ पे वैसे ऐसा नहीं कि खाली खाली है, पूरा भीड़ भाड़ है, देखिए इधर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको सारा चीज़ ना सस्ता सुविधा मिलता है। हाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ को छोड़ के, जैसे नारियल पानी, ये सब आपको सस्ता सुविधा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी बहुत सारा चीज़ मिलता है सस्ता सुविधा, है कि नहीं? अच्छा, हमें रोड को क्रॉस कर जाना पड़ेगा, उस तरफ पार हो जाना पड़ेगा। एक मिनट, आ जाओ, वरना क्रॉस कर नहीं पाएंगे। तो ये हम लोग क्रॉस कर गए रोड, और ओहो इधर एम्बुलेंस जा रहा है, ये कोई हॉस्पिटल वगैरह है लगता है। आ जाओ। और ये सब हम लोग क्रॉस करते हुए चल रहे हैं इस उम्मीद में कि हमें कुछ मिल जाएगा खाने को। लेट्स सी, मुझे लगता है ना कि खाना इतना जल्दी नसीब नहीं होने वाला, क्योंकि इधर आसपास जितनी भी दुकानें लगी हैं वो या तो खाली हो चुकी हैं ऑलरेडी, और नहीं तो फिर वहाँ पे हमारे लायक नहीं मिल रहा है खाने को। हाँ, वो लोग एकदम से किनारे हो करके जाते हैं, पता नहीं इधर का कैसा रूल रेगुलेशन है, जबकि किनारे में थोड़ा सा रोड छोड़ा जाता है कि जो राहगीर हैं उनको चलने के लिए दिया जाता है रास्ता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मार्किंग ही नहीं है। ये देखिए रोड पे, ये थोड़ा बहुत मार्किंग है, वो भी छूट टूट गया है एकदम से, इतना सा। मतलब अगर उस मार्किंग को एक्चुअल में लेके चला जाए तो उसमें एक एक पैर चला सकते हो सिर्फ। हाँ, मुझे लगता नहीं है कि आज कुछ भी हमें मिलने वाला है, हमें वापस ही जाना पड़ेगा स्टेशन। फाइनली हमें एक होटल मिला, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक है, बंजारा होटल है उसका नाम। साफ सुथरा खाना भी और एकदम जेन्युइन प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, क्योंकि इससे पहले हम लोग यहाँ खाए हैं इसलिए जानकारी है। फिलहाल आज तो नाश्ता करने के लिए आए, थोड़े टाइम के बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे लंच करने के लिए। यहीं पे आएंगे? हाँ, क्योंकि हम लोग को इधर ही काम है, इधर से आके फिर आ जाएंगे। हाँ, फाइनली हमारा नाश्ता आ गया, ये देखिए। मैं नमक डाल लिया हूँ, हमें बहुत बढ़िया है। हाँ, इडली मिला नहीं क्योंकि इडली खत्म हो गया था, और डोसा भी खत्म होगा भी नहीं, अभी खाना खाने का टाइम है। हम लोग के उधर तो सांबर बड़ा बोलते हैं, सांबर बड़ा, नारियल का चटनी और साथ में एक तीखी वाली चटनी। बहुत बढ़िया। तो मेरा नाश्ता हो गया है, वो अभी नाश्ता कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली मुझे आराम लग गया है क्योंकि दो मैच खाया, इस बार फिर एक और लिया, और मेरा एक में ही हो गया नाश्ता। हो गया नाश्ता, अभी हम लोग जाएंगे दूसरा काम में। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग वर्ल्ड, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।